कल देश भर में लोहड़ी का पवित्र त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और यही धूम जम्मू में भी देखने को मिली। आज इस वक्त मैं जम्मू के कला केंद्र में हूं, जहां पर टीम जम्मू द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, लोहड़ी के इतिहास को उजागर करने के लिए कुछ यहां पर फंक्शन किया गया। और जिस तरह से पुराने बुजुर्ग जो हमारे थे वो किस तरह से लोहड़ी को सेलिब्रेट करते थे, किस तरह से लोहड़ी मांगा करते थे, आज उस पर भी हम झलक डालेंगे। लेकिन आपको ये बताएं, ये छज्जा है, यंग जनरेशन या अभी जो जनरेशन है वो शायद भूल चुकी है कि ये छज्जा किसे कहते हैं, यार छज्जा क्या होता है। ये छज्जा था क्योंकि पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो छज्जा लेकर तमाम जम्मू में, अगर जम्मू की बात करूं तो तमाम हर एक लोगों से जो है लोहड़ी मांगा करते थे, छज्जे को लोहड़ी बोला भी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतिहास जो है, जो हमारी परंपरा थी, क्योंकि लोहड़ी का त्यौहार डोगरों की विरासत से जुड़ा हुआ त्यौहार है और ये छज्जा लेकर तमाम छोटे छोटे बच्चे कुछ समय पहले, कुछ साल पहले बताऊं तो वो लोहड़ी मांगा करते थे। ये छज्जे मार्केट से भी मिलते थे लेकिन अब कहीं ना कहीं इन छज्जों में कमी आई है, क्योंकि लोगों को जो आपके बच्चे हैं उनको पता नहीं है और ना ही उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं। आज एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि टीम जम्मू की तरफ से यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया, आप देखिए। ओ जम्मू शरे दी शोभा बकरी, जम्मू शरे दी शोभा बकरी, किठे पानी पींदे शेर दे बकरी, ओ पानी पींदे शेर दे बकरी, ओ दिखिए मन पर माया मड़िया ता नगरे की आया। डोगरों के इतिहास के लिए, लोहड़ी के इतिहास के लिए हर एक संभव प्रयास जो है टीम जम्मू द्वारा किए जा रहे हैं। टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, क्योंकि लोहड़ी का एक पवित्र त्यौहार था जिस तरह से कल यूथ बच्चे इस चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, छज्जे की बात करें, लोहड़ी मांगने का तरीका भी बदल गया, अब बच्चे शर्माते हैं, क्योंकि पहले की बात करें, पहले जो बच्चे थे वो तो हर जगह हर किसी से जो है लोहड़ी मांगते थे, खूबसूरत त्यौहार था। क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों? मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। अगर राजे महाराजाओं की आप बात करें तो जम्मू में एक कंपटीशन होता था, छज्जा कंपटीशन, हर मोहल्ले हर गांव से लोग जो है एक टीम वर्क होता था, छज्जे बनाते थे एक से एक खूबसूरत, और वो सारे छज्जे जो है वो फाइनली राजे की मंडी लिए जाते थे, जहाँ पर महाराजा साहब बैठते थे, उनकी पूरी कैबिनेट होती थी, वहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनाम जो है वो दिए जाते थे, और बड़े बड़े इनाम, और लोग बड़ी रुचि रखकर, दिलचस्पी रखकर उसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट ओवर द ईयर्स, जैसे हम कहते हैं कि युग परिवर्तन हुआ, लोगों का ध्यान नौकरियां और नौकरी पाने के लिए पढ़ाई को अहमियत देना, तो हर पेरेंट्स का मैं समझता हूँ कि एक माइंडसेट चेंज हुआ, तो वो अपने कल्चर अपनी लैंग्वेज से आहिस्ता आहिस्ता हटते गए, और जिसके कारण ये आलम है कि आज अगर आप बाज़ारों में जाएंगे, किसी को पूछेंगे छज्जा लेना है तो छज्जा नहीं मिलेगा। हाँ, आपके घरों में या गांव देहातों में कोई बुजुर्ग होंगे वो शायद बना के देंगे, अगर वो डोगरी चाहते पूछो कि हरन के होंदा तो उन्हें हरन का नहीं पता होना, और अगर अस अपनी गल करचै साढ़े बुजुर्ग आपू हरन बनते हो, बड़ी खुशी कने लोहड़ी मंगते हैं, और लोहड़ी मंगने का मतलब ये नहीं है कि कोई भिख मंगा दा या कोई गरीब है तो ता करिए, लेकिन वो लोहड़ी मंगने का मतलब है कि प्यार बढ़ाता, लोगों की खुशियों शरीक होना। तो आई थिंक ओवर द ईयर जब लोगों का ध्यान पढ़ाई की तरफ ही केंद्रित रहा तो ये सब चीज़ें भूली, और जिसके कारण अगर हम खासकर डोगरा कम्युनिटी की बात करें
तो हमारे कल्चर को बहुत नुकसान हुआ है। और उसी कल्चर को रिवाइव करने के लिए हमारा एक प्रयास हमने शुरू किया लगभग 5 साल पहले, और हम जो हमारी मुबारक मंडी है जो हमारा एक अपने आप में एक वर्ल्ड फेमस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, आज वो भी झरझर हुआ पड़ा है। तो हमने कोशिश की कि नौजवानों को पूरे जम्मू से इकट्ठा करें, सैकड़ों की तादाद में वहाँ आते थे, डोगरा ड्रेस पहननी, डोगरा पगड़ी पहननी, ताकि वो अपने कल्चर के साथ जुड़े, फिर से जुड़े। और पूरे शहरों के हर बाज़ार से होते हुए लोहड़ी मांगते, और पूरे शहरवासी, पूरे जम्मूवासी इन नौजवानों का वेलकम करते थे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोहड़ी मांग रहे हैं। तो ये एक हमारा प्रयास है कि हमने ये मानना है कि जो कम्युनिटी अपनी भाषा और अपने कल्चर से अलग हुई, उसका आने वाले दिनों में या भविष्य में जो है नामो निशान नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि डोगरों का एक बहुत बड़ा इतिहास है, उस इतिहास को किस तरह से हम नई जनरेशन तक पहुंचाएं, किस तरह से नई जनरेशन को हम प्रेरित करें, खासकर उनके पेरेंट्स को प्रेरित करें कि आपको ऐसे जितने भी हमारे त्यौहार हैं हमको बड़े हर्षोल्लास से और सबके साथ मिलकर जो है मनाने चाहिए। डॉक्टर सर, क्या लगता है, क्योंकि आज की अगर हम बात करें, आज की जनरेशन या छोटे बच्चे की बात करें, 2 से 3 साल का बच्चा भी होगा उसको मोबाइल चलाने आएगा, लेकिन उन बच्चों को लोहड़ी के बारे में नहीं पता, हमारे डोगरों के इतिहास के बारे में नहीं पता, क्या लगता है कमियां पेरेंट्स में? उसमें ऑब्वियसली अगर हम कहें तो जो हमसे सीनियर जनरेशन है या हम में से भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, तो सबसे पहले हम खुद जिम्मेवार हैं। हमारा बच्चा उसमें या बच्ची जिम्मेवार नहीं है। हम जो संस्कृति हमारे पास थी हमने आने वाली जनरेशन को देंगे नहीं, तो उनको मालूम कैसे होगा? तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि ये जो ये जो त्यौहार दिन ब दिन सिकुड़ते सिकुड़ते गाँव में पहाड़ों तक ही सीमित रह गए हैं, इनको एक बार फिर एक नया दौर लाना है, ताकि ये दिन त्यौहार जो है हमारे शहरों में हमारे पढ़े लिखे बच्चे, इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे जो है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, स्कूलों में है, वो भी इसको दिल से मनाए। उसके लिए हम कार्यरत हैं और ये दिन हर दिन प्रयास कर रहे हैं। और हमारी ये भी सोच है कि आने वाले दिनों में जब COVID-19 का कहर कम होता है तो हम एक सज्जा कंपटीशन जो कि प्राइवेट स्कूल्स है उनके साथ मिलकर कुछ इस तरीके के कराए, जो छज्जे बनाने वाले जैसे हमारे टीम जम्मू के, ड्राइवर सर, छज्जा मार्केट में पहले कुछ साल पहले अवेलेबल होता था, बच्चे लेते थे और हमने लिया है, हमने लोड़ी, तो ये अब खत्म हो गया है मार्केट में, ना कोई बेचता ना बच्चा कोई लेता है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से होगी? जो छज्जे बनाने वाले हैं, जब खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो बेचारे का कहाँ से आजीविका चलेगी? मैं समझता हूँ कि हमारा एक प्रयास है, जैसे हमारे टीम जम्मू के कल्चरल विंग के अध्यक्षता करते हैं व्यंग के बड़े मशहूर शायर हैं ठाकुर रणधीर सिंह जी रैपरिया, या आप जो पीछे छज्जे देख रहे हैं इसको कम से कम भी 45 से 50 दिन लगते हैं बनाने के लिए, पैसा एक तरफ, मेहनत आप देखिए कि कितनी लगती है। तो हमने उनसे भी बात की है, उनके साथ और जो जुड़े सीनियर लोग हैं तमाम उनसे बात की है, तो उनको मिल के हम कोई ना कोई वर्कशॉप इस तरीके की या कोई छज्जा कंपटीशन जिसमें कुछ कैश प्राइज रखेंगे, ताकि बच्चों की रुचि पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो है सभ्यता और कल्चर है उसके साथ कैसे जुड़े रहे, ये हमारा एक इंडिपेंडेंटली कोशिश रहेगी। और साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप बाकी स्टेट्स देखिए जहाँ पे पोगल फेस्टिवल मनाया जाता है, आप महाराष्ट्र की बात करिए, वहाँ गणेश पूजा और गणेश विसर्जन देखिए कितने श्रद्धा भाव से मनाया जाता है, छोटे से छोटा, सरकारें उसमें जो है इनकरेज करती है। बदकिस्मती से डोगरा कल्चर की बात करिए, डोगरा भाषा की बात करिए, तो जो यहाँ पर जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही या आज UT एडमिनिस्ट्रेशन भी है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की सपोर्ट स्टेट को, जितनी भी यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं उनको जिस तरीके से इनकरेज करना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमी है। हम आपके माध्यम से उनको भी अपील करना चाहेंगे कि आपका भी एक दायित्व बनता है और आप भी इनको इनकरेज कीजिए। जब सरकार इनकरेज करने पर आएगी तो मैं समझता हूँ कि जितनी कोशिश हम करेंगे हमसे कम कोशिश में उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए शुक्रिया। खंड मिठे लोग डोगरे, ये तो आपने सुना होगा, और डोगरों का जो इतिहास है बहुत ही मीठा है, बहुत ही जो उनका कल्चर है बहुत ही मीठा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि डोगरों की विरासत को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी एक कदम आगे आना चाहिए। और लोहड़ी के त्यौहार के लिए जो एक संभव प्रयास जो है टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जमाल द्वारा किया गया, पुराने कल्चर, पुराने तरीके से किस तरह से लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करते थे, लोहड़ी मांगा करते थे, उस पर एक झलक जो है कला केंद्र में डाली। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर, आप
अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मन्हास के साथ जय हिंद।